अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 3 सब्जेक्ट है हमारा साइंस और टॉपिक है हमारा दी ह्यूमन बॉडी। आज हमने बुक पेज नंबर 6 और 7 करना है और इसमें जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो करेंगे। पहले हमने पेज नंबर 5 से ये जो क्वेश्चन था हमारे पास ये किया था और पेज नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था, ठीक है, ये वाला। आज हम पेज नंबर 6 से, ये देखिए पेज नंबर सिक्स से क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करेंगे ये दोनों, और इसके बाद पेज नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये हाउ डज द ब्रेन हेल्प यू टू हियर ये करेंगे, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन करने हैं हमने, पेज नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है, और जो क्वेश्चन नंबर 1 नीचे नंबरिंग दी हुई है आपको सामने नज़र आ रहा है वो पेज नंबर 7 से है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है पेज नंबर 6 का, व्हाट डज द आईलिड्स एंड आईलैशेस डू, कि आईलिड्स और आईलैशेस क्या करती हैं, यानी कि हमारे यहाँ पर ये जो आईलिड्स हैं और इसके अलावा ये आईलैशेस जो हमारे पिंपल पेज होती हैं उनका क्या काम होता है, अदाकारा ने क्यों ये बनाई हुई है। तो इसका आंसर है आईलिड्स क्लोज क्विकली व्हेन योर ब्रेन सेंसेस डेंजर टू योर आईज, हमारी आईलिड्स फौरन से बंद हो जाती हैं कब, जब हमारा ब्रेन बताता है कि हमारी आंखों को कोई खतरा है किसी किस्म का, तो फौरन से हमारी आईलिड्स क्लोज हो जाती हैं और वो हमें सेव करती हैं, उनका ये काम होता है। जैसे अगर बहुत ज़्यादा रोशनी हो, हम उससे देख रहे हों, अगर सूरज की तरफ हम देख रही हों तो क्या होता है, हम फौरन से अपनी आँखें ऐसे जब सूरज को देखते हैं तो रोशनी में हमारी आंखें बंद होती हैं, खुद ब खुद ही फौरन से बंद होना शुरू हो जाती हैं, वो आईलिड्स हमारी उनको क्लोज करते हैं, क्यों, क्योंकि आईलिड्स जो हैं उनको पता है कि ये रोशनी हमारे लिए खतरनाक है बहुत ज़्यादा सूरज की, और इसलिए वो फौरन से क्लोज हो जाते हैं। और आगे हमें आईलैशेस का देखना क्या फंक्शन है। आईलैशेस ट्रैप डस्ट एंड अदर टिनी पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, इसके अलावा डस्ट वगैरह जो होती है जो हमारी आंखों के लिए अच्छी नहीं होती, तो वो क्या करती हैं आईलैशेस उनको ट्रैप करती हैं कि वो हमारी बॉडी के अंदर, सॉरी हमारी आईज के अंदर एंटर ना हो, ठीक है। तो ये आईलैशेस का और आईलिड्स का वर्क था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी पेज नंबर 6 से ही है। हाउ डू यू सी एन इमेज, कि आप किसी भी इमेज को कैसे देखते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर ये इमेज देख रहे हो, ये चीज़ें आप देख रही हो, तो कोई भी हम इमेज देखते हैं तो वो किस तरह से हमें नजर आता है। आंसर है उसका फर्स्टली द राइट रेज रेज फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड बाउंस बैक, जब भी राइट रेज किसी ऑब्जेक्ट पे आकर पड़ती हैं तो वो दोबारा बाउंस बैक होती हैं, दोबारा वापस जाती हैं। दीज रेज देन एंटर योर आई एंड फॉल ऑन द रेटिना टू फॉर्म एन इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, तो फिर क्या होता है, ये दोनों ये रेज जो हैं दोबारा हमारी आईज में एंटर होती हैं और कहाँ पर जाती हैं, हमारे आईज में जो रेटिना होता है उसके ऊपर जाके फॉल करती हैं, गिरती हैं, उसके ऊपर पड़ती हैं, ताकि क्या हो जाए, वहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट हमने देखना होता है उसका इमेज बन जाए। जब उसका इमेज बन जाता है हमारे रेटिना में आके, तो वो उल्टा इमेज बनता है, फिर ब्रेन उसको हमें सीधा करके दिखा देता है, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 2 और 3, ये दोनों क्वेश्चन पेज नंबर 6 से थे जो हमने किए हैं, ठीक है। अब पेज नंबर 7 से नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 की नंबरिंग दी है ना, वो पेज नंबर 7 से है। वैसे हमारे इस टॉपिक का ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 4 है और ये 5 है, लेकिन मैंने पेजेस के हिसाब से यहाँ नंबरिंग दी हुई है। अब पेज नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डज द ब्रेन हेल्प यू टू हियर, कि आवाज़ें सुनने में हमें हमारा ब्रेन जो है वो किस तरह से हमारी हेल्प करता है। इसके आंसर है When sound waves enter into our ear, they send to the brain. जब भी sound waves जो हैं वो हमारे कान में enter होती हैं तो वो वहाँ से brain में भेजी जाती हैं। हमने पहले पढ़ा था इसमें कि हमारे ears जो हैं उनके 3 sections होते हैं। सबसे पहले sound waves outer ear में जाती हैं, outer ear के बाद वो आगे क्या करेंगी, हमारे middle ear में जाएंगी। मिडल ईयर में जब वो पहुँचती हैं तो वहाँ से वो साउंड वेव्स वाइब्रेशंस में टर्न होती हैं और वो ईयर ड्रम पे जाके पड़ती हैं, ठीक है। फिर ईयर ड्रम जो है उन वाइब्रेशंस को, उन साउंड वेव्स को वाइब्रेशंस में टर्न कर देता है, ठीक है, और वो वाइब्रेशंस फिर आगे हमारे इनर ईयर में जाती हैं। इनर ईयर फिर उन वाइब्रेशंस को क्या करता है, हमारे ब्रेन तक भेजता है, और ब्रेन हमारा बताता है हमें
ऑप्टिक नर्व्स के जरिए से, उन नर्व सेल्स के जरिए से मैसेज भेजता है कि जिस चीज को, जिस आवाज को हम सुन रहे हैं वो किस तरह की है। ठीक है, इसका आंसर है व्हेन साउंड वेव्स एंटर इनटू आवर ईयर दे सेंड टू द ब्रेन। साउंड वेव्स पहले ब्रेन को भेजी जाती है एंड देन आवर ब्रेन मेक सेंस ऑफ साउंड, और फिर हमारा ब्रेन जो है वो सेंस ऑफ साउंड जो है वो उसकी एक सेंस बनाता है, हमें बताता है कि हम जो आवाजें सुन रहे हैं वो किस तरह की है। अब आपने क्या करना है, ये सारे क्वेश्चंस यानी कि तीन क्वेश्चन आज हमने किए हैं, इनको आप लोग अपनी नोटबुक पर मेंशन भी करें, ठीक है, अच्छी वाली राइटिंग में लिखें भी, और साथ ही साथ इनको लर्न भी करना है। इंशाल्लाह ताला कल हम आगे अपने जो बाकी के इसके क्वेश्चंस हैं पेज नंबर 7 से वो करेंगे और पेज नंबर 8 को पहले करेंगे। ठीक है, कि उसमें आगे हमें नोज़ के बारे में क्या बताया, हमारी नोज़ क्या करती है। तो आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से अच्छी राइटिंग में लिखना भी है और साथ ही साथ इनको लर्न भी करना है। हम इंशाल्लाह ताला कल आगे करेंगे। बाकी थैंक यू।